बोलते हैं। क्या आपको पता है केले के फूल में कितने फायदे होते हैं? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और इसका रेसिपी मैं बनाने भी वाली हूँ, जो कि हम केले के फूल की सब्जी बनाने वाले हैं। वो कैसे बनता है आप इस वीडियो में देख पाओगे। तो हमारे वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मैं फिलहाल आपको बताने वाली हूँ बेनिफिट्स ऑफ बनाना ब्लॉसम। तो फर्स्ट जो बेनिफिट्स है वो हमारे डायबिटीज को कम करते हैं। सेकेंड है हमारे शरीर में दाग धब्बे खुजली जो भी कुछ कैसे कुछ भी होता है वो सबको ये दूर करता है। आप या तो इसका काढ़ा बना के खा सकते पी सकते हो, या फिर इसका सैलड बना के खा सकते हो कच्चे, और नहीं तो इसका सब्जी बना के खाइए। आपको जितना अच्छा लगे आप वैसे बना के खा सकते हो। और थर्ड इसका है बेनिफिट्स है, ये हमारे पाचन तंत्र को सही रखता है। और फोर्थ है हमारे वेट लूज कम करने में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। हम अपने डाइट प्लान में इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसके थ्रू हम अपना वेट लूज कर सकते हैं। और फोर्थ बेनिफिट ये है कि ये हमें बहुत असर करता है, मतलब ये हमारे जो भी टेंशन वगैरह होते हैं उनको ये दूर करता है। तो है ना ये कमाल का चीज। तो इस रेसिपी जो मैं अब इस वीडियो में डालने वाली हूँ इसका रेसिपी, तो आप उस रेसिपी को जरूर देखिएगा और बना के खाइएगा। तो चलिए मिलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें इस फूल के फूल में से हमें ये बड़े वाले डंटी जैसे को निकाल देना है, और एक पत्ते जैसा होता है वाइट कलर का छोटा सा, उसको भी निकाल देना है। अब इन सभी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सभी को जितने हमको उस तरीके से ही छीलना है उसमें से वो सबको निकाल कर हम बारीक काट लेंगे, और इसको नमक के पानी में डाल देंगे। और ये केले का अंदर का पार्ट है जो छोटा सा होता है, इसको भी हम बारीक काट के इसको पानी में रख देंगे ताकि ये काला ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ये केले के फूल को जो हमने काट के लिया था वो हमारे उबाल आ चुके हैं। इसको हमने करीब करीब 10 मिनट इसको उबाल दिए हैं। अब इसको हम पानी से निकाल देंगे। हमने यहाँ पे पास से 6 चम्मच तेल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता और एक सूखी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जब ये भुन जाए तब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। हमारा प्याज जब पक जाएगा तब हम इसमें एक छोटी बारीक कटी हुई आलू को इसमें फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं और अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ आलू डाल देंगे। इसको हम करीब 5 मिनट तक पकाएंगे। जब हमारे आलू पकने लगेंगे तब हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला है, और अब हम इसमें नमक हल्दी डाल देंगे। अपने स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। एक छोटी चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, एक छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसको एक से एक मिनट इसको भून लेंगे हल्का पानी इसमें डालकर। ये मसाले हमने भून लिए हैं। अब हम इसमें हमारे केले के वो फूल जिसको हम उबाल के रखे थे इसमें डाल देंगे, डालकर थोड़ा इसको हम पकने देंगे।
आप चाहो तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे आधे बड़ छोटे कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और अब हम इसे पकने देंगे करीब करीब 10 से 15 मिनट के लिए। इसको पकने देंगे ढककर। हमारा ये 10-15 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही भूनते रहे हैं लो फ्लेम पर, तो इसका लुक ऐसा आया है। अब हम इससे आप अपने हिसाब से इसमें पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हो, पर आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि हम इसको अभी फिर से 10 मिनट के लिए खोलने देंगे। ये हमारे 10 मिनट तक खोलने के बाद में हमारा केले का फूल का सब्जी रेडी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ 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 मत जाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।